गणेशोत्सव से पहले महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में लाल परी यानी एसटी बस के पहिए थमके हैं। एसटी कर्मचारी संघ के इस हड़ताल ने सरकार के साथ साथ लाखों गणेश भक्तों की भी चिंता बढ़ा दी है। संघ ने एसटी कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन देने की मांग की है। एसटी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल की मांग को लेकर मंगलवार को संघ प्रतिनिधि मंडल और मंत्री उदय सामंत के बीच बातचीत बेनतीजा रही। ऐसे में अब आज बुधवार को एसटी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल और सीएम एकनाथ शिंदे के बीच शाम 7 बजे बैठक होने वाली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि संघ की मांग पूरी न होने पर हड़ताल और तेज हो सकती है। यूनियन का कहना है कि इसके पहले भी सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, मगर कुछ भी नहीं हुआ। सर्वप्रथम मी आमच्या प्रवासी बांधवांचे माफी मागतो की ज्यांच्या भरोशावर आमची रोजीरोटी आहे, परंतु शेवटी आमच्या रोजीरोटीचा प्रश्न आल्यामुळे मागच्या 8 वर्षापासून हे शासन एसटी कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः मूर्ख बनवत आहे। याच्या पहिले सर्व युनियननी आपापल्या स्तरावर मोठमोठे आंदोलनं केले, परंतु नुसते आश्वासन। त्यामुळे शेवटी एसटी महामंडळातल्या सर्व 14 युनियन एकत्र झाल्या आणि त्याची कृती समिती तयार झाली आणि त्या कृती समितीद्वारे हे आंदोलन उभं केलेलं आहे। आम्ही संप करून नाही राहिलो, आम्ही धरणे आंदोलन करून राहिलो, परंतु हे जे आहे बंद जे आहे हे कर्मचाऱ्यांचं उत्स्फूर्तपणे केलेलं बंद आहे। ते कामावर जायला तयारच नाही आहे की जोपर्यंत आम्हाला मिळत नाही राज्य शासनाप्रमाणे वेतन मिळावं ही आमची प्रथम मागणी आहे। बाकी सगळ्या उपमागण्या आहे, ती मागणी आज मिळाली पाहिजे मुख्यमंत्र्यांकडून, ही एक आशा आहे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।